समाचार एक्सप्रेस की खबर का दमदार असर हुआ है। बीते दो दिन पहले ही समाचार एक्सप्रेस चैनल पर रायबरेली के लालगंज कस्बा इंचार्ज अभय मिश्रा द्वारा व्यापार मंडल लालगंज के पदाधिकारियों से की गई अभद्रता की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। समाचार एक्सप्रेस की खबर को पुलिस अधीक्षक रायबरेली स्वप्निल मघमई द्वारा संज्ञान में लेते हुए रविवार बीती रात को अभद्रता करने वाले लालगंज कस्बा इंचार्ज अभय मिश्रा को लाइन हाजिर कर दिया गया। लगातार विवादों में रहने वाले लालगंज कस्बे में तैनात मनबड दरोगा अभय मिश्रा को इस बार अभेदान नहीं मिल पाया और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के जहानाबाद चौकी इंचार्ज अरविंद पांडे को भी पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया है। दरोगा अभय मिश्रा पर पहले भी कई प्रकार के दाग लग चुके हैं। लालगंज कस्बा चौकी इंचार्ज अभय मिश्रा पर इससे पहले एक दो नहीं बल्कि कई बार बद जुबानी व काम के प्रति लापरवाही का दाग लग चुका है। सूत्रों की माने तो अपने आप को लखनऊ के एक उच्च आला अधिकारी का खास बताकर लोगों पर यहां तक कि विभाग पर भी रोब ऐटना इनकी आम बात थी। हाल ही में लालगंज कस्बे में हुई चोरी पर इनके बेतुके बयान सुर्खियों में थे। बद जुबानी मानो इनके रंग रंग में बसा हुआ है। पत्रकारों बुद्धिजीवियों से अभद्रता इनकी आम बात है। शायद इनका रसूख इस बार काम नहीं आया है और पुलिस अधीक्षक स्वप्निल मघमई ने काम के प्रति लापरवाही बरतने के चलते लालगंज कस्बा चौकी इंचार्ज दरोगा अभय मिश्रा तथा शहर कोतवाली के जहानाबाद चौकी इंचार्ज अरविंद पांडे को लाइन हाजिर कर दिया है। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.